हत्याओं के दौर से गुजरता गंगा पार। प्रयागराज का गंगा पार क्षेत्र अब अपराधियों का गढ़ होता जा रहा है, जिसका ताजा उदाहरण सोराव थाना क्षेत्र के हाजीगंज इलाके का है, जहां पर प्यारे लाल यादव नामक व्यक्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सोराव थाना क्षेत्र के हाजीगंज इलाके में मृतक प्यारे लाल यादव उम्र लगभग 50 वर्ष अपने घर पर सो रहे थे कि उन पर कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया एवं उनकी हत्या कर दी। उनके शरीर में चोटों के कई निशान मौजूद हैं। पुलिस अधीक्षक गंगापार धवल जायसवाल ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लिखित तहरीर के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। यह पहला मामला नहीं है जहां पर आपसी रंजिश और अन्य कारणों से हत्या की गई हो, लेकिन जहां एक ओर योगी राज में अपराध और अपराधियों के हौसले खत्म करने की बात कही जा रही है और वहां पर अपराध करने के लिए तत्पर अपराधी दिख रहे हैं और पुलिस एवं न्यायिक प्रक्रिया कर अब धीरे धीरे इन अपराधियों के दिल से दूर होता जा रहा है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से जिला क्राइम ब्यूरो रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। आज थाना सुराव क्षेत्र के अंतर्गत हाजीगंज नामक गांव में एक व्यक्ति प्यारे लाल यादव का शव बरामद हुआ है। शव पर कुछ चोट के निशान है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण में 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।